हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग राजस्थान के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेज में से आने वाला एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस जो हवा महल के नाम से जाना जाता है। गाइस, आज दिन तक आपने हवा महल के बाहरी एरिया को आपने देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान के हवा महल के अंदर की साइड से अनदेखे स्थानों को। आज दिन तक किसी ब्लॉग्स ने नहीं दिखाया होगा। तो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करके जो बताना ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलो चलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हवा महल के मेन दरवाजे पे, जिसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक है। गाइज, आज बहुत ही ज्यादा भीड़ है क्योंकि आज है राजस्थान दिवस 30 मार्च। यहाँ से जो एग्जिट होने वाले लोग हैं ना भाई, बहुत सारे हैं। यहाँ पे क्राउड आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअल में क्या है कि आज जो 30 मार्च है ना, तो इसीलिए भाई यहाँ पे राजस्थान दिवस का पूरा फायदा उठा रहे लोग। तो आप क्राउड में आपको दिखाऊंगा भाई रहे हैं। और भाई हवा महल को अंदर से मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कैसा क्या रहता है, कैसा क्या व्यू है, क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। सही होगा, जो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था। एक्चुअल में यहाँ से अंदर की साइड अपन चलेंगे तो कैसा क्या व्यू रहने वाला है। यहाँ से जैसे ही अंदर की साइड अपन गए तो ओनली ऑन हवा महल यहाँ पे राजा महाराजाओं के सिर्फ और ऐसा आराम के लिए बनाया गया था। तो जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा भीड़ और साथ में एक फवारा देखने को मिलता है, जिस फवारे के आस पास बहुत सारे लोग छिपके हुए थे। अंदर की साइड से ऊपर की साइड जैसे अपन देखते हैं तो यहाँ से वो झरोके अपने को दिखाई देते हैं, जिन झरोके के लिए राजस्थान का हवा महल बहुत ही ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे हमें कुछ टूरिस्ट और भी देखने को मिलते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं। तो यहाँ से जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ और एक्चुअल में बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी। प्रताप सिंह जी, जिन्होंने 1799 में एक्चुअल में यहाँ पे हवा महल को बनवाया था, और इतनी बड़ी प्रतिमा अभी भी यहाँ पे लगी हुई है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप अंदर एंटर कर रहे हो, आपके राइट हैंड साइड में आप आ सकते हो और यहाँ से चीज़ें देख सकते हो। इसके बाद में आपको मैं यहाँ से दिखाने वाला हूँ हवा महल का मैप। ऐसा लगता है बाहर की साइड से हवा महल, अंदर की साइड से कैसा लगेगा वो तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखो गाइस, यहां से आपको देखने को मिल रहा होगा पूरा का पूरा इंद्रधनुष। अब गाइस, यहां से हम एंटर कर चुके हैं और भाई ऊपर की साइड अपन चल रहे हैं। यहां से ना लोग देखो भाई ढोल बजा रहे हैं और नाच रहे हैं भाई, आप देखो। हाँ भाई, अरे ढोल वोल बजा दो यार। कलर कलर मतलब जितने भी अलग अलग कलर के कांच हैं यही हैं, इनके अलावा भाई और कुछ है नहीं। बाहर की साइड से ऐसे दिखते हैं, अंदर की साइड से वो चमकते हैं क्योंकि बाहर वो लाइट की वजह से। और ये वो झरोके हैं जिनको आज भी खोलकर अपन बाहर की साइड देख सकते हैं भाई। यहाँ पे अभी परमानेंट इसको सेट कर रखा है, चलो मैं यहाँ से इसको खोल रखा है। ये वो झरोके हैं जिन झरोके के लिए हवा महल फेमस है। यहाँ से आप देखो, यहाँ से अपन इसको खोल सकते हैं। आओ मैडम, देख लो, देखने दो भैया। तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर, फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर करने के बाद में भाई सेकंड फ्लोर पे चलते हैं और यहाँ से ऊपर देखते हैं क्या है। गाइस, यहाँ से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ से वो दिख रहा है ना, वो है जंतर मंतर। इधर पीछे ये महल है,
ये है सिटी पैलेस, आपको यहाँ से सिटी पैलेस दिख जाएगा। मैं आपको थोड़ा बता दूँ, ये सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस के अलावा ये है जंतर मंतर, ये जंतर मंतर। और गाइस अगर आपने देखा हो तो ये है इशर लाट, यहाँ पे ऊपर चढ़ के आप देख सकते हो पूरा का पूरा शहर दिखता है यहाँ से। अगर गाइस आप इन सभी फोर्ट्स के टिकट की बात करते हैं तो एक्चुअल में यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी टिकट की प्राइस 20 से 30 रुपए होने वाली है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी टिकट की प्राइस 100 रुपए पर कैंडिडेट होने वाली है। इसमें अगर सिटी पैलेस में आपको जाना है तो वहाँ पे इंडियंस के लिए 300 और फॉरेनर्स के लिए 1100 अप्रोक्सीमेट वहाँ पे टिकट चार्जेज होते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे आकर जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो खूबसूरती नजर आती है जिनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कमेंट में जरूर बताएगा कि एक्चुअल में ये ब्लॉग कैसा लगा। और भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो चलते हैं, ओके बाय, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।